गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत ही जल्दी रेगुलर ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी, लाइक ऑन माय डेली बेसिस, फुल ब्लॉग, मिनी ब्लॉग नहीं। तो हाँ, हम वो फाइनली आज से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं पूरा का पूरा ट्राई करने वाली हूँ कि हम रेगुलर रह पाए। बहुत फंबल हो रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी आदत डल जाएगी धीरे धीरे। और आप सभी का सपोर्ट मिला तब तो यार वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊँगी। तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल करने को तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आज से आपको अपना जो थोड़ा सा इतू सा डेली रूटीन होता है वो दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा जो शैतान स्पॉइल्ड ब्रैट है वो क्या कर रहे हैं। तो इनका यही है, बस आना है, खाना है और सो जाना है। हेलो बोल दो ऑडियंस को, हेलो। कुछ नहीं भाई साहब, जिंदगी हो तो ऐसी, इस बच्चे जैसी। तो चलो इसको छोड़ करके मैं अपना फटाफट से काम कर लेती हूँ, वरना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। और वैसे ही मेरा कल का फास्ट है तो मुझे फास्ट भी तोड़ना है यार, बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन पहले पूजा करना पड़ेगा। बाय बाय बोल दो ऑडियंस को। भाई ऑडियंस मैं सो रहा हूँ, मेरे को सोने दो। गाइस, मैं पहले पूजा करूँगा और फिर आपसे बातें कर पाऊँगी कि जो भी आगे का जो भी रूटीन रहेगा मैं आपको सब कुछ अपडेट करूंगी। लेकिन पहले मेरे को मेरी पूजा कंप्लीट करने दो ताकि मैं पेट पूजा भी कर पाऊँ। ओके, मुझे फटाफट से पूजा कर लेना चाहिए, वरना कोई और नहीं लेकिन भगवान जी थोड़े से नाराज़ हो जाएंगे और मेरा छोटू सा टम्मी भी नाराज़ हो जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। काइच, हमारी पूजा बिल्कुल हो चुकी है। और ये देखो यार, पूजा के बाद आप ये तो मानोगे कि भगवान जी अलग ही सुंदर से लगते हैं। मतलब नॉर्मल सी फोटो भी इतनी प्यारी सी लगने लगती है, अलग ही यार पूजा की जो वाइब आती है ना। और बिल्कुल जो फ्रेश करके आप ऐसे दीपक जला करके छोड़ते हो, उसके बाद तो अलग ही मज़ा आता है देख करके, बस है ना। आप भी अग्री करोगे इस बात से। तो चलो फिर, ये तो कम्प्लीट, तो पूजा तो हो चुकी है कम्प्लीट, लेकिन अभी पेट पूजा है बाकी। और कल था फास्ट मंडे का और अभी बज रहे हैं 12। मैं आपको घड़ी पे भी दिखा देती हूँ अगर आपको यकीन नहीं हो रहा। ये देख रहे हो, सॉरी 12 नहीं बज रहे हैं, लेकिन यार ऑलमोस्ट 12 तो। और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा टाइम है और मैंने एक अन्न का दाना भी अपने छोटे से बेचारे से पेट को नहीं दिया है अभी तक, और एक खुदकुशी करने को ऑलरेडी रेडी होगा। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बना है। और साथ ही साथ हम कुछ ऐसा खाने की कोशिश करेंगे जो टेस्ट में भी अच्छा हो, क्योंकि फास्ट के बाद आपके मुंह का टेस्ट ऑलमोस्ट पूरा गॉन हो चुका होता है और आप चाहते हो कि आप अपने मुँह का जो फ्लेवर है वो वापस ला सको। तो ठीक है, देखते हैं, पूछते हैं मम्मी जी से कि क्या बना है और होपफुल रहते हैं कुछ अच्छा सा बनाओ। भाई साहब, उठना भी होता है, कुछ काम धंधा भी होता है, कर लो जीवन में। कुछ नहीं, इग्नोर करती रहती है पूरा दिन मुझे। गाइस, ये वो तो नहीं है जिसका मुझे प्रॉमिस किया गया था और मुझे बहलाया गया था कि मेरे मुंह के टेस्ट को कम्प्लीटली। ओ चुटकी, मुझे नहीं आती चुटकी बजानी और उल्टे हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं। व्हाटएवर, ये वो नहीं है जिसका मुझे प्रॉमिस किया गया था। मुझे बोला ये गया था कि आफ्टर फास्ट मुझे बहुत कुछ यम्मी सा खाने को मिलेगा, लेकिन यम्मी क्या, मुझे इसको खाने का मन ही नहीं कर रहा। वैसे एक कढ़ाई पनीर एंड रोटी है विच इज़ ओके, लेकिन यार फास्ट के बाद आपको कुछ बहुत ही अच्छा सा मिलना चाहिए खाने को, जो कि ये नहीं है। लेकिन बोला है उन्होंने कि रखा हुआ है कुछ जो कि इसके बाद मिलेगा, ब्रेकफास्ट के बाद। ये ब्रेकफास्ट नहीं है वैसे तो, ये लंच है और ये लंच ही है, लंच का टाइम ही है और ये लंच ही है। ब्रेकफास्ट मेरे को नहीं मिला आज, तो देखते हैं इसके बाद खाने को क्या मिलता है। चलो मैं आपसे मिलती हूँ ब्रेक के बाद। फॉर ये पूजा जो कि ठीक है, लेकिन ये दूसरी तरफ क्या देख रहे हो आप, इसको कोई होश नहीं है कि कौन आया कौन गया। ऐसे कौन सोता है, मैंने कभी भी किसी ना ही तो बिल्ली को ना ही तो कुत्ते को ऐसे सोते हुए देखा है। ओ हेलो मैडम, उठिए, घर के नौकर आए हैं। कुछ चाहिए आपको, पानी, खाना, कुछ चाहिए, मालिश? कुछ नहीं चाहिए इसको, कुछ नहीं चाहिए। और मैं कुछ करने ही जा रही थी कि हमारी जो क्वीन एलिजाबेथ है वो उठ गई है, तो चलिए हम आपको पहले उनके दर्शन करा देते हैं। बोलो हेलो। ये बहुत शरारती है और ये इसके अंदर पता नहीं कौन सा ईगो लेके बैठी रहती है कि
बस खुद को कुछ समझती है। मेरे को ये लगता है कि इसको लगता है कि मैं, ये मेरी बिल्ली नहीं है, मैं इसकी इंसान हूँ, ये मेरे को लगता है। और आप में से बहुत सारे पेट ओनर्स को ये चीज़ लगती होगी किस किस को ये लगता है कि उसका जो डॉग है, डॉग तो नहीं यार, डॉग तो देखो खैर बहुत ओबीडियंट टाइप के होते हैं, वो अपने मालिक की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे बदतमीज बिल्कुल भी नहीं होते। ये क्या है, ये बेशरम कौन से पोज में बैठी हुई है? कुछ और नहीं तो बस सो जाना है, कुछ नहीं, बस खाना है, मसाज करनी है खुद की और फिर सो जाना है, बस यही है इनका, यही इनकी दिनचर्या। इसकी बात हो रही थी कि बहुत कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, उसके नाम पे मुझे मिला है ये। और ये क्या है वैसे? ये है आई थिंक चौमिन रोल एंड ये है दही कबाब। पता नहीं, मुझे तो ये कहीं से दही कबाब नहीं लग रहा, इसको टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगी कि सच में दही कबाब था या नहीं, या फिर था ये बहुत बड़ा स्कैम। इसको भी गाइड हम टेस्ट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वर्थ इट था या नहीं, या मेरे मुंह का टेस्ट वैसा ही न्यूट्रल रह गया और भी ज्यादा गंदा हो गया। दिखने में जैसा भी हो लेकिन खाने में तो ओके है। और हम बात करते हैं बिस्किट कि क्या ये दही कबाब है कि नहीं, इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं पहले। चलो चलो खा के देखते हैं इसको। ये पता है उस वाले से तो बहुत ज्यादा बेटर है खाने में, मतलब है दही का टेस्ट तो पूरा प्रॉपर आ रहा है, तो या अप्रूव्ड। तो गाइस ये है हमारे लड्डू गोपाल का प्री बर्थडे गिफ्ट, जो कि मैं जब राखी के लिए उनके लिए कपड़े खरीदने गई थी तो मैंने ये भी ले लिया था। एक्चुअली हम सोफा प्लस बेड खरीदना चाहते थे लेकिन फिर हो ये रहा था कि सोफा प्लस बेड कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, तो किसी का कलर पसंद नहीं आ रहा था, तो किसी के टूटने के चांसेस थे, तो लास्ट में हमने फिर पसंद किया था ये, कभी और ले लेंगे सोफा प्लस बेड। चलो अभी तो खैर उनके गिफ्ट तो यार खरीदते ही रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि वैसे इनका ऑलरेडी बेड भी है और इनके बैठने का आसन भी है जो हम खरीद के लाए हैं, लेकिन आप ये देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा सा टूट रहा है यहाँ से। एक्चुअली पता है आपको, इसको ना हमने खरीदा नहीं था, जब इसको लिया था तो ये हमने घर ही पे मम्मी ने बनाया था खुद ही यूट्यूब पे वीडियो देख करके, एक ट्यूटोरियल छोटा सा। तो अभी इनका फाइनली हम ले आए हैं ये प्यारा सा बेड, तो चलो इनको इससे शिफ्ट करते हैं इस पे। एंड बाय द वे ये बेड नहीं है, सो सॉरी, ये है इनका आसन। तो चलिए हम अब इनको प्यारे दुलारे को इस पे विराजमान कर देते हैं। okay, इसको यहाँ पे रखते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए आप बेड पे बैठ जाइए। इट्स टाइम टू चेंज योर ओल्ड सोफा और वट एवर इट इज। ये देखो यहाँ से ये टूट रहा था, तो इनको खैर जरूरत तो थी और ये पुराना भी हो चुका था, और वैसे भी आज जन्माष्टमी आने वाली है तो ऑलमोस्ट एक साल हो गया इसको, तो टूटना तो था ही, ज्यादा दिन ही चल गया मैं तो कहूंगी, लेकिन था ही काफी प्यारा। ये देखो सही बनाया था, ये देखो ये यार ये कितना अच्छा लग रहा है, रॉयल लग रहा है पूरा। अभी हम आपको इनको बिठा करके इस पे दिखाएंगे और इनके बैठते ही तो ये आई थिंक 4 times और 10 times और आई हैव नो आइडिया कितने टाइम्स से ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो चलो इसका क्विक सा ट्रांजिशन लेते हैं। इसमें सब कुछ सही है और ये अच्छा लग भी रहा है, लेकिन मुझे बस एक ही दिक्कत इसमें लग रही है कि इसका जो सरफेस एरिया है ना, वो इस वाले का देखो सॉफ्ट सा था। ये देखो ये इनको कंफर्टेबल लगता होगा, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इन बेचारे को कंफर्टेबल लग रहा होगा। तो मम्मी बोल रही है कि कोई नहीं कल तक एक गद्दी सिल देंगी इनकी, तो उन्हें पे बैठने में फिर इनको अच्छा सा भी लगेगा। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल तो नहीं हो पाया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे हम न्यू चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करें, और यार इंसान प्रैक्टिस से ही तो आगे ग्रो करता है, सीखता है चीज़ें। तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जब भी, और बहुत जल्दी आएगा क्योंकि अब मैं चाहे कुछ हो जाए मैं बहुत फोकस्ड रहूँगी और मैं कंसिस्टेंट होने की पूरी कोशिश करने वाली हूँ। पता है दिस इज़ द प्रॉब्लम इन ब्राउन फैमिलीज। अभी मैं आपसे बात करती है एंड माई डैड जस्ट नॉक द डो एंड सेड लाइक बंद कर दो बेटा सो जाओ। मैंने कहा लिटरली अभी 10:30 पता नहीं शायद 10:30 भी नहीं हो रहा है एंड सेम डैड, उन्हें नहीं पता कि मैं दो दिन के लिए ओके। चलो मैं अपने बोलूँ यार का कुछ नहीं बोलूँगी, बस लास्ट बोलूँगी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये अब
डेली का होने वाला है, मतलब ये टॉर्चर डेली करना होगा इतना लंबा लंबा। हम छोटी छोटी चीज़ें भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो जुट जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है सच में। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और अगर आपको मेरा प्यारा सा छोटा सा बच्चा पसंद आया है तो उसके लिए प्यार प्यार से कमेंट्स कर देना, उसको मैं पढ़ाऊँगी।